हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे HSBC वीजा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या है। तो आप लोगों को इस वीडियो से HSBC वीजा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड के इंट्रोडक्टरी ऑफर से। तो अगर आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और अगर आपका ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है तो कार्ड रिसीव होने के 30 दिनों के अंदर अंदर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कम 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं, इस क्रेडिट कार्ड से कम 1000 रुपये खर्च करते हैं, तो फिर आपको जो है अमेज़ोन का 500 रुपये का वाउचर मिलता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको 3 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं जिनमें कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉन्च दोनों ही शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये जो 3 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं इनकी जगह पे आप 3 मील वाउचर्स ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से गूगल पे पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन करने पर आपको अप टू 50% मतलब 50% तक का डिस्काउंट मिलता है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 रुपीज़ मतलब 100 रुपये का ही डिस्काउंट मिलेगा, 100 रुपये की ही छूट मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी भले ही आपको जो है 50% का डिस्काउंट मिल रहा हो। इसके अलावा आपको 10% कैशबैक मिलता है जिसमें कि आपको 2000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। तो नियम और शर्तें आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कार्ड इशू होने के 60 डेज के अंदर अंदर मतलब 60 दिनों के अंदर अंदर इस क्रेडिट कार्ड से कम 5 ट्रांजेक्शन होने चाहिए हैं, और जो 5 ट्रांजेक्शन होने चाहिए हैं उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए है वो कम से कम 10000 रुपये तक की होनी चाहिए है। या फिर आप इसको ये समझिए कि 5 ट्रांजेक्शन करने हैं इस क्रेडिट कार्ड से कम 10000 रुपये स्पेंड होने चाहिए, 10000 रुपये खर्च होने चाहिए हैं, तब हमें 10% का कैशबैक मिलेगा जिसमें कि हमें 2000 रुपये तक का कैशबैक मिल जाएगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के इंट्रोडक्टरी ऑफर्स, इनको हम वेलकम ऑफर्स भी कह सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो इंट्रोडक्टरी ऑफर्स होते हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो इनके लिए वैलिडिटी होती है। जैसे कि ये जो आपको मैंने ऑफर्स बताए हैं इनकी जो वैलिडिटी है ये 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होकर के 30 जून 2022 तक रहने वाली है। इसके बाद हो सकता है कि ये ऑफ़र्स एक्सपायर हो जाएं और हो सकता है कि इनके जगह पे कोई दूसरे ऑफ़र्स आ जाएं। तो अगर आपको कार्ड मिलता है लेकिन अगर आपको ये इंट्रोडक्टरी ऑफ़र्स नहीं मिलते हैं या फिर इनकी जगह पे कोई और ऑफ़र्स मिलते हैं तो इसके लिए आप शिकायत मत करिएगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 0 लायबिलिटी का बेनिफिट मिलता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम होता है या फिर चोरी हो जाता है तो ऐसे में अगर आप अपने बैंक को रिपोर्ट कर देते हैं तो रिपोर्ट करने के बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसकी जिम्मेदारी या फिर आप कहिए कि उसकी लायबिलिटी बैंक की होगी, आप पर किसी भी तरह कोई भी लायबिलिटी कोई भी जिम्मेदारी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपके क्रेडिट कार्ड से मान लीजिए कि किसी तरह का कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह हो जाता है, आपने 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट भी कर दिया है बैंक को कि आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है या फिर चोरी हो गया है और आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन हो गया, मिस यूज़ हो गया आपके क्रेडिट कार्ड का, तो ऐसे में आपको जो 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको इमरजेंसी कार्ड रिप्लेसमेंट की सर्विस दी जाती है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम होता है या फिर चोरी होता है कहीं पे भी आप हो, चाहे इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर, तो आप जो अपना क्रेडिट कार्ड तुरंत ही रिप्लेस करा सकते हैं, बदलवा सकते हैं। आप बैंक से तुरंत कॉन्टैक्ट करिए, जो HSBC हेल्पलाइन नंबर उससे कॉन्टैक्ट करिए आप और कॉन्टैक्ट करके कहिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो गुम हो गया फिर चोरी हो गया है तो उसको बंद करके मुझे दूसरा कार्ड इशू करें, तो आपको 3 दिनों के अंदर अंदर आपका नया कार्ड मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, तो आपको इससे सालाना 3000 रुपये की बचत होगी जो कि आपसे फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं लिया जाएगा, तो वही पैसा आपका समझ लीजिए कि बचेगा। तो 3000 रुपये समझ लीजिए कि सालाना आपके बचेंगे फ्यूल सरचार्ज के, तो फ्यूल सरचार्ज आपका वेव कर दिया जाएगा। और अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 4 लाख रुपये स्पेंड कर दिए हैं तो उस पर तो जो आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने थे वो समझ लीजिए कि मिल जाते हैं, जो कि मैक्सिमम 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं। तो अब अगर इसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब साल भर में आपने जो 4 लाख रुपये स्पेंड कर दिए हैं और जो भी आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने थे, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने थे, वो मिल चुके हैं, तो उसके बाद आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, 5 गुना आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपने साल भर में 4 लाख रुपये स्पेंड कर दिए हैं, और उसके बाद जब आप स्पेंड करेंगे तो उस पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई एनुअल फ़ी नहीं है,
तो ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। ये बहुत बेहतरीन क्रेडिट कार्ड इस तरह से हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी जो पैसा खर्च नहीं करना होता है, बस आप क्रेडिट कार्ड अपना इस्तेमाल करिए और उससे फ़ायदा लीजिए, फ़ायदा उठाइए। अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्रांच से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना होता है, यहाँ पर आप इनकी वेबसाइट पर आइए, HSBC बैंक की वेबसाइट पर आइए और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अप्लाई करने का, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने जो यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो हमें ये जो है इस पेज पर लेकर आएगा जहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है। इससे पहले की वीडियो में भी शायद मैंने बताया हुआ है। बहरहाल यहाँ पे हमें अपना फुल नेम एंटर करना होता है, मोबाइल नंबर एंटर करना होता है और ईमेल एड्रेस हमें एंटर करना होता है। उसके बाद आई एम ए सैलरीड इंडिविजुअल, इस पर आपको इस तरह से चेक मार्क लगा लेना होता है। और उसके बाद जो है आपको आगे जो है मतलब जनरेट OTP पे क्लिक करके OTP एंटर करना होता है। इस तरह से आगे आपका प्रोसेस बढ़ता है। और यहाँ पर बताया गया है कम्प्लीट KYC विद वन वीडियो कॉल एंड enjoy contactless banking with HSBC। तो इसमें आपको वीडियो KYC की भी फैसिलिटी मिलती है, तो जिससे आपका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही हैसललेस, मतलब कि बहुत आपको जो आसानी से ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा ये पूरा पेपरलेस रहेगा, जिसमें कि आपको किसी भी तरह कोई भी पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसका मतलब ये होता है कि मतलब वही फॉर्म फिलअप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा ये पूरा डिजिटल रहेगा, मतलब सब ऑनलाइन होगा, तो ये बहुत अच्छा है। ये तो हमने जान लिया कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन लोग इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो आइए इसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब कम से कम जो है 18 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल, मतलब 65 ईयर्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए है। मिनिमम सैलरी इस क्रेडिट कार्ड के लिए सालाना 4 लाख की होनी चाहिए कम से कम। और ये क्रेडिट कार्ड सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए है, जो जॉब वगैरह करते हैं MNC में उनके लिए क्रेडिट कार्ड है। तो वो अप्लाई करेंगे तो उनको बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिल जाएगा। और कुछ चुनिंदा सिटीज़ में ही ये क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी सिटीज़ में अवेलेबल है। तो अगर आप इन सिटीज़ से बिलोंग करते होंगे तो आप जो अप्लाई करेंगे तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, बाकी अगर आप जो है क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपके KYC के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके अलावा अगर जो है दूसरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूँ, जैसे कि जो इनकम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकम प्रूफ, उनके बारे में बात करूँ, तो अगर आप किसी MNC वगैरह में काम करते हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको चाहिए उस मल्टीनेशनल कंपनी से सैलरी स्लिप या फिर जो सर्टिफिकेट, तो उनमें से जो भी आपको मिल जाए तो उसकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को। और अगर आपके पास पहले से ही किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपके क्रेडिट कार्ड के फ्रंट की कॉपी देनी होगी और आपके क्रेडिट कार्ड का लेटेस्ट स्टेटमेंट देना होगा। अच्छा, ये जो आपको सैलरी स्लिप देना होगा, ये पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप आपको देना होगा, और साथ ही साथ आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी देना होगा जहाँ पे ये शो किया गया हो, मतलब जहाँ पे ये दिखाया गया हो कि आपके अकाउंट में जो है सैलरी क्रेडिट होती है, सैलरी आती है, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं उस कंपनी से जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं है, कोई भी एनुअल फी नहीं है। तो ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिलता है तो बहुत बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंस चार्जेस की, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो वो पर मंथ 3.49% है, और अगर पर एनम मतलब सालाना के बारे में बात करें तो 41.88% है। कैश एडवांस फी, जिसको हम कैश विड्रॉल फी भी कहते हैं, कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालें तो ऐसे में हमसे फी ली जाती है, तो इसके लिए क्या फ़ी होती है, 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट, ट्रांजेक्शन अमाउंट, मतलब जितना हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालेंगे उसी के 2.5%। लेकिन कम से कम आपसे 500 रुपये की फ़ी ली जाएगी। अब मान लीजिए कि अगर आपने बहुत कम कैश विड्रॉ किया है, पैसे निकाले हैं, तो ऐसे में अगर 2.5% कैलकुलेट किया गया तो वो जो 500 रुपये से कम आया तो कम से कम आपसे 500 रुपये की फ़ी ली जाएगी, और अगर जो 2.5% 500 रुपये से ज़्यादा आया तो फिर 2.5% आपसे लिया जाएगा। और अगर आप किसी बाहर देश, मतलब विदेश में, ओवरसीज़ में जा करके ATM से पैसे निकालते हैं, कैश निकालते हैं, तो उसके लिए अलग से 100 रुपये का यहाँ पे चार्ज होगा, अलग से उसके लिए फ़ी होगी 100 रुपये की। ओवर लिमिट फ़ी, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा जो स्पेंड कर देते हैं, ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो ऐसे में आपसे ओवर लिमिट फ़ी ली जाएगी, जो कि 500 रुपये है इस क्रेडिट कार्ड के लिए।
इसके अलावा लेट पेमेंट फी, तो ये जो लेट पेमेंट फी 100% ऑफ द मिनिमम अमाउंट ड्यू, जितना मिनिमम अमाउंट ड्यू होगा उतना ले लिया जाएगा लेट पेमेंट फी के तौर पे। तो इसमें जो कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रुपये तक की फ़ी ली जा सकती है आपसे। क्रेडिट कार्ड को अगर आप रिप्लेस कराते हैं तो उसके लिए कोई भी फ़ी नहीं, चाहे आप इंडिया में रहकर रिप्लेस कराएं या फिर जो है किसी दूसरे मुल्क में जाकर, किसी दूसरे कंट्री में जाकर के रिप्लेस कराएं, उसके लिए कोई फ़ी नहीं है। करेंसी कन्वर्जन चार्जेस, जिसको हम जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी भी कहते हैं, अगर हम किसी फॉरेन करेंसी में किसी दूसरी करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए फ़ी ली जाती है हमसे, जो कि 3.5% होती है, मतलब 3.5% जितना हमने ट्रांजेक्शन किया उसी के 3.5%। ATM से बैलेंस इंक्वायरी करने पर किसी भी तरह कोई फ़ी या चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो उसके लिए भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी लेते हैं तो उसके लिए भी कोई यहाँ पे फ़ी या चार्ज नहीं है, लेकिन कैश पेमेंट चार्ज है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते, मतलब कैश ले जा करके ब्रांच में और आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपसे 100 रुपये चार्ज लिया जाएगा। और जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं आप लोग तो जानते हैं, उन पर GST भी ऐड किया जाता है, तो अभी के टाइम में 18% GST लिया जा रहा है, तो सभी चार्जेस पे 18% GST भी ऐड होगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस, और ये था HSBC वीज़ा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके जो चार्जेस हैं वो सबसे पहले बहुत कम है और हमें किसी तरह का कोई एनुअल फ़ी या फिर ज्वाइनिंग फ़ी नहीं देना है, तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड से हमें सिर्फ बेनिफिट्स ही मिलने हैं, तो इस हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड बहुत बेहतरीन होता है। अगर आपको किसी तरह से मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए। और ये जो HSBC बैंक है ये बहुत ही रिप्यूटेड बैंक है, मल्टीनेशनल बैंक है, इनके क्रेडिट कार्ड्स भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का क्रेडिट कार्ड होगा तो उससे आपको दूसरे बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स मिलने में भी आसानी आएगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।